नमस्कार, मैं हूं दीपक। और कई बार मैं एक बात कह चुका हूं अपने वीडियोस के थ्रू कि कैसे सिनेमा, टीवी, रियलिटी शोज हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक जमाना था जब इंडिया के कोने कोने से लड़के लड़कियां मुंबई आया करते थे और वो इमेजिन किया करते थे वो शाहरुख बनेंगे, अमिताभ बनेंगे। लड़कियां सोचती थी वो माधुरी दीक्षित बनेंगी, ऐश्वर्या राय बनेंगी, प्रियंका चोपड़ा बनेंगी। लेकिन अब इंडिया के कोने कोने से लड़कियां सनी लियोनी बनने के लिए निकल पड़ते हैं। और जिस तरह से पोर्नोग्राफी केस का भांडा फूटा है, आपको सबको पता चल रहा है कि सनी लियोनी ने किस कदर इंडिया के यूथ को इन्फ्लुएंस कर दिया। ज्यादातर लड़कियां आजकल जो पोर्न केस में पकड़ी गई हैं वो सब सनी लियोनी बनना चाहती है। तो समय रहते सनी लियोनी को रोका नहीं गया, बिग बॉस में लाकर उसे प्रमोट किया गया। आप विडंबना देखिए कि मुंबई में जो बार जो बंद हो गए, वहां जो लड़कियां डांस वगैरह करती थी उन्हें रहने के लिए फ्लैट नहीं मिलते, लोग उन्हें कैरेक्टरलेस बोलते हैं। लेकिन सनी लियोनी जो कि क्या करती है, समाज सेवा का काम, आपको सबको पता है, उन्हें बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगों में फ्लैट मिल जाते हैं, फाइव स्टार होटल्स में उनका स्टे होता है, उन्हें अवार्ड मिलते हैं, सेलिब्रिटी का दर्जा मिलता है। क्या आपको ये चीज कहीं से किसी एंगल से जस्टिफाइड लगती है? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ये होता है। गोरी चमड़ी को देखकर और लड़की देखकर पूरा बॉलीवुड सनी लियोनी पर फिदा हो गया और आज वही बॉलीवुड कहीं ना कहीं बॉलीवुड को पॉर्नवुड बनाने पर तुला हुआ। तो कैसे एक गलत चीज को बॉलीवुड वालों ने इनकरेज किया, सपोर्ट किया, प्रमोट किया और आज कहीं ना कहीं हम सब उसके साइड इफेक्ट या ये कहें मेजर इफेक्ट हमारे समाज के ऊपर पड़ते हुए देख रहे हैं। और आज जिस चीज को बॉलीवुड वालों ने बढ़ाकर चढ़ाकर पेश किया, कहीं ना कहीं शिल्पा शेट्टी का पूरा परिवार उस एक गलती का कहीं ना कहीं नतीजा भुगत रहा है। और ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, आप रियलिटी शोज के अंदर अक्सर देखते हैं फेक फेमिनिज्म की कई सारी महिलाएं जो कि कहीं ना कहीं फेक फेमिनिज्म यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, नेहा धूपिया जैसे लोग हैं। मैं देखिए ये जो बातें कर रहा हूँ ये कई बार रिपीट हो जाती हैं, आप में से हो सकता है बहुत लोग सच है क्या डीएस के बार बार वही बातें, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि बहरे हो चुके हैं, उन्हें अपने फेवरेट के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों में बिग बॉस शुरू हो जाएगा और आप यकीन मान के चलिए ऐसे बहुत सारे लोग जो पिछले सीजन में रूबीना की फेक फेमिनिज्म को जस्टिफाई कर रहे थे वो यहाँ पर लखनऊ वाली साइको जो लड़की, पागल लड़की, उसके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो सुशांत के टाइम पर नेपोटिज्म हाय हाय के नारे लगा रहे थे वो बिग बॉस आते आते कलर्स के नेपोटिज्म को करने लगते हैं। ऐसी ही बातों का जो नतीजा होता है वो लखनऊ में जो प्रियदर्शनी यादव है, पागल लड़की, साइको लड़की, किस कदर लड़की होने का बेजा फायदा उठा रही है, किस कदर लड़की होने का इतना एक्स्ट्रा प्रिविलेज, मतलब अपना बर्थ राइट समझ लिया उसने, रास्ते चलते किसी को भी पीट देगी, मार देगी। और जब पुलिस हो या फिर मीडिया हो, जब उस पागल लड़की को आईना दिखाएंगे तो वो विक्टिम कार्ड खेलेगी, क्या एक लड़की खुद को डिफेंड नहीं कर सकती? यही बात अगर वो शहादत अली जो ड्राइवर है वो बोल देता कि मैं एक लड़का हूं, क्या मैं खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, लड़की को थप्पड़ नहीं मार सकता? तो आई मीन ये सवाल किसी मीडिया वाले ने उस लड़की से पूछा नहीं। मैंने उस लड़की के बहुत सारे वीडियोस देखे, पहले तो वो खुद को झांसी की रानी समझ के, झांसी की रानी का एक्चुअली अपमान होगा अगर उस पागल लड़की के सामने मैं झांसी की रानी की बात करूं, उस पागल लड़की की कैटेगरी में रुबीना जैसे लोग या नेहा धूपिया जैसे लोग और ये स्वरा तापसी, ये पूरी गर्दुल्ली लॉबी आती है, उसी लॉबी की पैदाइश है ये पागल लड़की प्रियदर्शनी लखनऊ वाली, जो कि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से आप रियलिटी शोज में चीजें देखते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि सिनेमा टीवी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। जहां रुबीना जैसे लोगों को स्ट्रांग वुमन बोल दिया जाता है तो निब्बा निब्बी जो जनरेशन वो वही सीखे कि अरे वाह उसने टच कर लिया और राहुल ने मना करा था, घिस जाएगा क्या, घिस जाएगा क्या, और अगर उसको एजाज ने रुबीना को हाथ पर ताली भी दे दी तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और उसे स्ट्रांग वुमन बोलकर मीडिया के लोगों ने जस्टिफाई किया था। जब निब्बा निब्बी जैसे लोग ऐसी चीजों को देखेंगे तो ऑब्वियसली उनके मन में वही आएगा जैसे आज आप देख रहे हैं, जिस तरीके से सनी लियोनी को देखकर इंडिया में एक अलग ही पॉर्न इंडस्ट्री बन गई है। तो ये चीजें कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, मैं आप तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन सीधी बोली गई बात भी लोगों को समझ में नहीं आती, जब तक वो खुद वो चीजें नहीं भुगतते हैं तब तक उन्हें समझ में नहीं आता। आए दिन मुझे अक्सर लेक्चर सुनने को मिलते हैं कि भाई महिलाओं से इज्जत से बात करो, लेडीज की रिस्पेक्ट करो। बार बार कह चुका हूं भैया महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन महिलाओं के नाम पर जो कलंक है उन्हें मैं कतई महिला नहीं मानता। हमारी जो ओलंपिक में जो एथलीट्स हैं, चैंपियंस हैं, स्टार्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनके लिए भर भर के दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। लेकिन बॉलीवुड के भाड़ों पर या रियलिटी शो के फेक विनर्स के लिए भाई प्लीज रिस्पेक्ट की उम्मीद मत करना। और ऐसे जो गर्दुल्लों को फॉलो करने वाले लोग हैं फिर वो प्रियदर्शनी यादव की तरह कई रास्ते चलते तुमको मिल जाएंगे, तुमको थप्पड़िया देंगे, लपड़िया देंगे। जब उनसे कोई सवाल होगा तो वो भाई बीमारी है, कैंसर था, ये था, वो था, मेंटल इलनेस थी, मानसिक बीमारी थी। बाप रे बाप भैया, 17 तरह के उस लड़की ने एक्सक्यूजेस दे दी अपने डिफेंड में कि मैं एक लड़की होकर डिफेंड नहीं कर सकती, खुद को मार नहीं सकती किसी को। अरे भाई लड़का अगर यही बोल देता तो भूचाल आ जाता अब तक तो, मतलब महिला आयोग ने खुद एक संज्ञान लेकर उसे जेल में डालने की कोशिश कर दी होती। बेचारा लड़का वो शहादत अली, उसका आपने 20-25 हज़ार का फोन तोड़ दिया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, 50-60 हज़ार का नुकसान कर दिया, और जब आपके ऊपर कोई एक्शन होता है तो विधवा विलाप मतलब वुमन कार्ड निकल आता है। ये इस तरह की चीजें हो रही ना भाई, ये समाज के लिए बहुत बड़ा श्राप है, अभिशाप है।
को तो कोई भी लड़की आके आपको थप्पड़ मार देगी कि भाई मैं लड़की हूँ थप्पड़ मारूंगी तू खा। भाई आदमी क्या करे, जॉब छोड़ दे या दुनिया छोड़ के चला जाए। बेचारा शहादत अली या उसके जैसे और भी लोग पहले भी भुगत भोगी बहुत सारे लोग हैं, बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक आपने सब देखा है, बार बार उस चीज को क्या रिपीट करना। लेकिन हर बार एक लड़का ही क्यों सहे, हर बार एक लड़की अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी लड़के को यूज कर लेती है, कभी नाक पे नाखून मार देगी, कभी ईव टीजिंग का केस कर देगी, कभी कार से निकाल के थप्पड़ मार देगी, जब कोई एक्शन होगा तो भाई रो देगी कि भाई लड़की है लड़की है लड़की। मतलब ऐसी लड़कियां लड़कियों के नाम पर कलंक है, और ऐसी लड़कियों की वजह से जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम या सताई हुई लड़कियां होंगी शायद उनको भी अब कोई देखकर यार इग्नोर, अरे छोड़ो छोड़ो यार ये तो पब्लिसिटी ले रही होगी। आई होप बातों की गंभीरता को समझें, और ये जो सोसाइटी में जिस तरह से गलत मैसेज जा रहा है सिनेमा के थ्रू, रियलिटी शोज के थ्रू, मीडिया के थ्रू, आई थिंक लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और क्या सही है क्या गलत है अब तो सोचना समझना शुरू करो। कैसे आप गलत चीज़ों को रियलिटी शोज में या सिनेमा में जस्टिफाई करते हो, वही चीज़ें फिर सोसाइटी में होती हैं तो कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, किसी का परिवार उजड़ सकता है ऐसी फेक फेमिनिस्ट की पब्लिसिटी स्टंट से। सो प्लीज़ इस तरह की बातों को सपोर्ट करना बंद कीजिए, इस तरह की जो महिलाएं हैं उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें रिस्पेक्ट देना बंद कीजिए। चलिए तो मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। आई होप कि वो जो लखनऊ की लड़की उसके पेरेंट्स को थोड़ी सद्बुद्धि है, लड़की को पागलखाने में डालो और आई थिंक बिजली के झटके दो ताकि उसका दिमाग जो हिल चुका वो अपने सही जगह पर आ जाए और लड़की होने का बेजा फायदा उठाने से बचे। पागल औरत हो चुकी, चोरी कर रही है, सीना चोरी कर रही है, हर बार के वुमन कार्ड खेल रही है, नौटंकी कर रही है और हद से ज्यादा ड्रामा कर रही है। पुलिस या अथॉरिटीज पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। ये लड़की जेल जाने लायक नहीं, ये लड़की पागल खाने, ये समाज में रहने लायक नहीं भाई, ये तो किसी को भी काट खाएगी पागल कुतिया की तरह, कुत्ते की तरह। कुतिया बुरा मान जाएंगी, कुत्ते भी बुरा मान जाएंगे, इस लड़की से कहाँ कंपेयर कर दिया। चलिए वीडियो खत्म करता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।